जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कपिल यादव। आप देख रहे हैं फोर्स अकेडमी फिजिकल। चूंकि माता बहनें भी आजकल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाने लगी है और यहां पर अपनी सेवाएं देने लगी है, तो उनके सामने सबसे बड़ी विडंबना आती है कि रनिंग कैसे करें और रनिंग के बाद कौन से एक्सरसाइज करें। काफी सारी गर्ल्स मुझे कमेंट कर रही हैं वीडियोस के अंदर कि सर रनिंग के बाद कौन से एक्सरसाइज करें जिससे हमारी रनिंग स्पीड बढ़ जाए। तो मेरे साथ है आज शालिनी जो कि आपको बताएगी। पहले तो हम शालिनी से जान लेते हैं कि कितना टाइम उसे रनिंग करते हुए है। तीन महीने से तो बंद ही हो गए लॉकडाउन के, अभी 10-15 दिन से कंटिन्यू किया है और लॉकडाउन की वजह से बंद था। चलो ठीक है, अगर आप भी ऐसा ही आपके साथ भी हुआ है, चूंकि हर एक के साथ में यही हुआ है, तो आपको कौन से वर्कआउट करना है रनिंग के बाद, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको करना है हाई नी बाउंस में आप हाथ को सामने भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। चलो करके बताओ। इस एक्सरसाइज को आपको 3 टाइम करना है, उधर से करके देखिए। ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो बोन मसल्स है जिसपे आपको दर्द होना स्टार्ट होता है, वो थोड़ी सी मसल्स थोड़ी पकेगी, मतलब कि थोड़ा सा उसको हम टॉर्चर कर रहे हैं। सीधी सी बात ये है, उसे टॉर्चर कर रहे हैं, उसे पका रहे हैं ताकि आगे जाके कोई दर्द हमें ना हो। सेकेंड एक्सरसाइज करना है आपको फ्रंट लेग स्कीप, जो कि देखिए फ्रंट लेग स्कीप में स्ट्रेट लेग रहते हैं और ऐसे आपको एक्सरसाइज करना है। जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ वो दोस्तों, जितनी भी मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा उन्हें आपको 3 बार करना है। अगली एक्सरसाइज है आपकी बट किक, जो कि आपके पीछे बैक तरफ हैंड को रखें और स्टार्ट करें। चूंकि लड़कियों के घुटने और हील काफ़ी कमज़ोर होती है, जैसे कि ढकने जो रहते हैं, घुटने आप जिन्हें बोलते हैं, लिगामेंट जिसे आप बोलते हैं, ये जब आप बट किक लगाएंगे तो उसमें आपका थोड़ा सा मोमेंटम आएगा और आप इनसे आपके इस दर्द से आप बचना स्टार्ट हो जाएंगे। चौथी एक्सरसाइज करना है आपको लंजेस लगाना है। चलो कम्प्लीट नाउ स्टार्ट। फर्स्ट डाउन, ऐसे आप होल्ड करके रखें थोड़ी देर, नाउ डाउन, ऐसे आपको 20 टाइम करके लगाना है और 3 टाइम करके लगाना है, रिपीटेशन लगाना है आपको। ऐसे होल्ड करके रखेंगे तो आपकी अंदर की जो जॉइंट होती है वो आपकी क्लियर ओपन होने लगेगी और आपके लेग डिस्टेंस कवर होने लगेंगे। ओके, देखिए ये सारे एक्सरसाइज मैं रनिंग के बाद के बता रहा हूँ आपको। ओके कूल, लास्ट और अंतिम एक्सरसाइज जिससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो लगाए आप। इसमें लेग स्टेप वर्कआउट रहेगा, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, क्लैपिंग के साथ में रहेगा। नाउ स्टार्ट, जगह पर ही रहें, इससे आपके लेग स्टेप खुलेंगे। देखिए मूव करके पूरा राउंड में बता, ऐसे इससे आपके लेग स्टेप खुलेंगे और रनिंग मैकेनिक सुधरेगी और आपकी रनिंग अच्छी स्पीड में होने लगेगी और आपके लेग्स अच्छे से मूव करने लगेंगे, लेग चलने लगेंगे। ओके तो जितनी भी माता बहनें ये वीडियो वॉच कर रही हैं, ये आप एक्सरसाइज करें, इन एक्सरसाइज से आपको फ़ायदा मिलेगा। रनिंग के बाद ही एक्सरसाइज करनी है और इसके बाद आपको क्या खाना है वो बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि इसके बाद खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं खाएंगे तो दर्द होगा आपको। तो दर्द के लिए अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप एक काम कीजिए, शाम के टाइम पर हल्दी दूध, जब आप सोते हैं तो हल्दी दूध पी लीजिए। हल्दी दूध थोड़ा, एक चुटकी हल्दी डालकर दूध के अंदर गर्म करके उसे पी लीजिए और सुबह के टाइम आप 4 खजूर खाइए, 4 खजूर, और उसके बाद 1 कप दूध पी सकते हैं, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा, मसल्स के अंदर रिकवरी मिलेगी। तो ये एक्सरसाइज जितनी भी लड़कियां हैं वो कर सकती हैं और फ़ायदा ले सकती हैं। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आगे और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बना सकूँ। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।